विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की खातिरदारी बांदा मंडल कारागार की डिप्टी जेलर व चार बंदी रक्षकों पर भारी पड़ गई है। पांचों को निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान डीएमएसपी के लिए गेट खोलने में अनावश्यक देर की गई। बैरक गेट खोलने में भी यही हुआ। मुख्तार की बैरक में बड़ी मात्रा में आम, खजूर, कीवी जैसे फल पाए गए। जेल मैनुअल से अलग विशेष भोजन मिला। डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को निलंबित कर डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान से संबंध किया गया है। एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने मुख्तार को जेल में बाहर का भोजन देने के मामले में सरकार से जवाब मांगा था। सोमवार रात डीएम अनुराग पटेल, एसपी अभिनंदन, सीओसीडी राकेश कुमार सिंह, एसओजी और पुलिस बल के साथ अचानक मंडल कारागार पहुंचे। पहले गेट में प्रवेश के बाद दूसरे गेट पर अफसरों को करीब 15 मिनट इंतजार करना पड़ा, तब गेट खोला गया। अधिकारी सीधे मुख्तार की तन्हाई बैरक पहुंचे। बैरक बंद थी। डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप से बैरक की चाबी मांगी गई। चाबी लाने में भी उन्होंने 15 मिनट लगा दिए, जिस पर अफसरों को संदेह हुआ। अधिकारियों ने बैरक की तलाशी ली तो वहां दशहरी आम, खजूर और कीवी के साथ जेल मैनुअल से अलग खाना मिला। अधिकारियों ने पूछताछ की तो पहले सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। जेल मैनुअल से अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देने के आदेश की जानकारी मांगी तो डिप्टी जेलर ने बताया कि प्रभारी जेल के निर्देश पर फल और बाहर से खाना मंगवाया जाता है। प्रभारी जेलर हफ्ते भर के अवकाश पर बहराइच गए हैं। चित्रकूट के डिप्टी जेलर संतोष कुमार को प्रभाव मिला है, जो निरीक्षण के वक्त होटल में थे। जेल में मिली गंभीर अनियमितताओं और निरीक्षण में बाधा डालने की रिपोर्ट अधिकारियों ने महानिदेशक कारागार प्रशासन को भेजी। इस पर डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया है। साहब ने और एसपी साहब ने कल परसों निरीक्षण किया था, उसमें एक डिप्टी जेलर और चार सिपाही को निलंबित कर दिया गया। बाकी और सुरक्षा व्यवस्था कैसे कड़ी की जा सकती है, इसके मैं उसी को मैं निरीक्षण करने आया था। इस संबंध में जिलाधिकारी पहले भी मुख्तार अंसारी पर सुरक्षा पर कई सवाल उठ रहे थे और उसको लेकर ये चूक देखी जा रही है, क्या कहेंगे? उसी का सुधार करने के लिए मैं आया था। उसमें उनको बाकी लोगों को निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप द्वारा इंजेक्शन भी तो दिए जा रहे थे जेल प्रशासन को, फिर भी नहीं सुधर रहे, तो फिर नहीं सुधार सुधार है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं है। इस समय क्या कहते हैं, बाकी तलाशी में इसीलिए कोई सामान नहीं मिला उनको, जिलाधिकारी महोदय को। अगर सुधार नहीं होता तो तलाशी में कुछ सामान मिलता। लापरवाही उनकी जो है इस बात की थी कि वो जिलाधिकारी महोदय से थोड़ा सा वहाँ पे रुकना पड़ा, समय लगा उनको। बांदा से अनवर रजा रानू की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ टैक से मैं अनुषी गुप्ता।